हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान अड्डा पे। किसान वीरों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल नई किस्में आई हैं, जैसे कि 15027 हुई या 16202 हुई या 16231 हुई। ऐसी बहुत सी किस्में जो किसान वीरों अभी रिलीज नहीं हुई या अभी पास नहीं हुई, तो इन किस्मों को आप अपने खेतों पर लगाएँ या ना लगाएँ, इसके बारे में हम लोग आज आपसे कुछ जानकारी साझा करेंगे। इससे पहले जो किसान भाई पहली बार हमारे चैनल पर आए हों, तो कृपया हमारे चैनल को वो किसान भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले किसान बात करते हैं जो बिल्कुल नई किस्में आई हैं, जैसे 16202 है, 16201 है या 16231 है, 3102 है या 8005 है या 15027 है। ऐसी बहुत सी किस्में हैं जो अभी किसानों ने रिलीज नहीं की गई हैं, क्या आप इनको अपने खेतों पर लगाएं या ना लगाएं? तो किसानों, मेरे तो ये राय है कि अगर आप इन किस्मों को लगाना ही है आपको, तो बहुत ही कम क्षेत्र में लगाएं, क्योंकि अभी ये वैरायटियां किसान वीरों अप्रूव्ड नहीं हुई, यानी कि अभी पास नहीं हुई हैं। इनको खाली कुछ किसानों को ट्रायल के तौर पे दिया गया था, क्योंकि जो भी वैरायटी रिलीज की जाती है कुछ ट्रायल पे किसानों को दी जाती है, तो उसको देखा जाता है कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, क्लाइमेट में ढली या नहीं अच्छे से ढली, कितना उसमें रोग आ रहा है, कितना उसमें कीटों का आक्रमण हो रहा है। तो अभी ये वैरायटियां रिलीज नहीं की गई हैं, तब भी किसान अगर इसको लगाना चाहते हैं तो थोड़े बहुत क्षेत्र में लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्षेत्र पे आपको इस वैरायटियों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये वैरायटियां अभी पास नहीं है, तो इसके कारण आपकी फैक्ट्री इसको नहीं लेगी। अगर आपकी फैक्ट्री, मान लीजिए कुछ फैक्ट्रियाँ हैं जो कि जैसे जिनमें रिकवरी चीनी की अच्छी है, जैसे अपना 3102 हुआ या 15027 हुआ, तो उनको कुछ मिले सामान्य में या अर्ली में लेने के लिए हामी भरी हैं, परंतु अभी उनका कोई क्लियर नहीं है कि हाँ वो ले ही लेंगी। तो आप ऐसी किस्मों को बहुत ही कम लगाएं या आपको लगाना ही है, क्योंकि इनका एक बात इनमें तो है कि इनका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गन्ना जैसे हमारा 15027 है या 8632 या 8005 हुए, ये गन्ने तो काफ़ी मोटे हैं, काफ़ी हाइट भी पकड़ते हैं, परंतु किसान भाई इनमें थोड़ा रिकवरी का इशू रहता है। अगर इनकी रिकवरी कम होगी और फाइबर ज़्यादा होगा तो आपकी चीनी फैक्ट्रियाँ इनको नहीं लेंगी। तो मेरा तो यही मानना है कि आप अगर ऐसी वैरायटियों का चयन कर रहे हैं, अपने खेतों पर लगा रहे हैं, तो बहुत ही कम क्षेत्रफल में लगाएं, क्योंकि आपकी जो फैक्ट्री होगी, अगर आप उस रिकवरी अच्छी आएगी तो ही उसको लेगी, वरना अगर कम रिकवरी होगी तो आपकी फैक्ट्री उसको रिजेक्ट या फिर सामान्य में ही लेगी। तो आप ऐसी किस्मों को अपने क्षेत्र में बहुत कम लगाएं। और इसके साथ साथ किसान भाई, जैसे बहुत सी नई वैरायटियां आई, जैसे 16231 हुई या अपनी 16202 है, 16201 का बहुत सी इसमें चर्चा चल रही है, तो ऐसी किस्मों को भी आप बहुत ही कम अभी लगाएं, क्योंकि ये वैरायटियां अभी शो संस्थानों से रिलीज नहीं की गई हैं। जब ये वैरायटियां रिलीज होंगी उसके बाद में ही हमारा ये जितनी चीनी फैक्ट्रियाँ हैं इनको लेने का प्रयास करेंगी, क्योंकि जब तक वैरायटी रिलीज नहीं होती तब तक हमारी जो गन्ना फैक्ट्रियाँ हैं वो इस वैरायटी को नहीं लेती हैं। तो आने वाले भविष्य में ये हो सकता है पास हो सकती हैं, परंतु इनका कुछ क्लियर नहीं बताया जा सकता कि हाँ ये पास हो ही जाएंगी। तो आप अगर इन वैरायटियों का सभी नई वैरायटियों का चयन कर रहे हैं, तो कम कम क्षेत्रफल में आप इसको अपने क्षेत्र पे लगा कर ट्राई जरूर कर सकते हैं कि कैसा इनका रिस्पॉन्स आ रहा है, परंतु उसको बड़े बहुत बड़े जैसे आपने 5-6 एकड़ लगा दिए, 10 एकड़, इतना लगाने का आप उसको प्रयास ना करें, थोड़ा बहुत आप उसको ट्रायल पर लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अर्ली किस्में जैसे हमारी 13235 है या 14201 है या 13231 है या फिर 11203 है, तो ऐसी जो अर्ली किस्में हैं आप इनको ही लगाने का अधिक से अधिक प्रयास करें। अन रिलीज जो वैरायटियां हैं इनको आप इतना ना लगाएं, क्योंकि अगर आप इनको ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हो सकता है आने वाले भविष्य में आपकी फैक्ट्री इसको ना ले, तो ऐसी आपके सामने बात आ सकती है। तो किसानों, ये रही कुछ सामान्य जानकारी, क्योंकि बहुत से हमारे किसान भाई लगातार क्वेश्चन कर रहे थे कि ये किस्मों को हम लोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, ये अर्ली में है या नहीं है। तो किसानों, जो वैरायटी अभी रिलीज नहीं होती है वो तो ना तो सामान्य में होती है ना ही अर्ली में, क्योंकि जब वैरायटी रिलीज होती है तभी वो उसका क्लियर पता चल पाता है कि ये सामान्य में जा रही है या अर्ली में जा रही है। तो अभी उनको कुछ भी नहीं आता पता कि वो वैरायटी किस्में है, तो आप अभी उनको बहुत ही कम क्षेत्र में आप उसको ट्राई करें। अगर जो वैरायटी अर्ली में हैं उनको उन्हीं भी किस्मों को आप आगे बड़े क्षेत्रफल में लगाएं। तो किसान मित्रों, ये रही कुछ सामान्य जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।